अभी काफी इंप्रूवमेंट है मेरी बॉडी के अंदर। सांस छोड़िए। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 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 विद इन, विद आउट, विद इन, विद आउट। We can see the right is shorter compared to the left. Breathe in, sir. Breathe out. Come up, sir. Sir, I get for us. Breathe in. Breathe out. सांस लीजिए सर, सांस छोड़िए, एस्थमेटिक, ओके, क्रैश स्पाइन में होनी शुरू हो जाती है सर, कोरिलेटेड है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, शोल्डर भी थोड़े राउंड है ना सर, रिलैक्स छोड़िए सर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, दोनों हैंड्स को खोलिए सर, मेरे हैंड्स के ऊपर लॉक कीजिए, मेरे हैंड्स के ऊपर क्लास्प, यस यस, आपके हैंड्स को, ओके, आराम से सर, एल्बो को आगे की तरफ बेंड कीजिए, मैं आपको पीछे की तरफ लीन करूँगा, आपको धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ओके, थैंक यू। नीचे थोड़ा सा नीचे नीचे, बस अब आइए, सभी नीड द वॉल पुश, दीवार को धक्का लगा, ये ठीक हो, अब ये ठीक होगा ना सर, आपको आपके लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायफ्राम में प्रेशर आता है, नहीं लंग वो एस्थमेटिक प्रॉब्लम तो काफी हद पहले से था, लेकिन जो जो एंटीबॉडी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाता है सर उससे, हां बहुत ज्यादा। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो सही है, अलाइनमेंट सी, भी आप स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट या फॉरवर्ड पुशते हो और इससे बहुत ज्यादा वो आंसर टिल्टिंग से भी स्ट्रेट है, क्योंकि वॉल पुश लैंग्स मेरा नाम अम्मार है, मैं जयपुर से ही हूँ, काफ़ी 6-7 साल से मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, बॉडी अलाइनमेंट आउट था, झुक के चलता था मैं, फिर सर के पास आया,
अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है मेरी बॉडी के अंदर, अब मैं अलाइनमेंट मेरा सही हो चुका है। मैं वॉक करके भी देखा, बॉडी मेरी लीन नहीं करी सामने की तरफ,